ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा ने अपनी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, जो कि उनका सपना साकार हो गया और केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार सत्तासीन हुई है। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा ने अपनी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, जो कि उनका सपना साकार हो गया और केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार सत्तासीन हुई है। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि सुखराम परिवार ने हमेशा मेरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगते थे, जो कि आज मंडी की जनता ने उन्हें मेरा रिपोर्ट कार्ड लाखों जीत दिलाकर दिया है। बिल्कुल, जो जो योजनाएं मैं लेकर आया था, सरकार कांग्रेस की थी 4 वर्ष, वो योजनाएं धरातल पर लागू नहीं हो पाई। अब प्रांत के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मंडी जिला से हैं और लगातार प्रयत्नशील हैं। जो जो मंडी पार्लियामेंट के बहुत लंबे समय से योजनाएं लटकी पड़ी हैं, जो कार्य करने वाले उन कार्य को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको अंतिम रूप दिया जाएगा, वो योजना धरातल पर दिखे, ये प्रयत्न किए जाए। एक नया इतिहास रचा गया है, क्योंकि पहले जो था वो 152,000 मतों का जो है वो जीत का अंतर था इसी सीट पे, लेकिन अब इसको एक नया इतिहास बना है, क्या कहेंगे? ये जनता ने आईना बताया है, जो उस मंडी पार्लियामेंट को अपनी जागीर समझते थे। वो कहते थे कि इस मंडी में जो कुछ है वो हम ही है। उन लोगों को आईना दिखाया है और ऐसी बढ़त ना पहले कभी मिली थी ना भविष्य में मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये मंडी की प्रबुद्ध जनता का ऐतिहासिक निर्णय और उन लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिन्होंने लगातार प्रयत्न किया, जनता के बीच रहे और मेरा प्रदेश का नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री, सभी सम्माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का ये परिणाम है कि आज मंडी पार्लियामेंट में हम ऐतिहासिक बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं।